नमस्कार, आप देख रहे हैं MBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार की कला का मुरीद हुआ गुजरात। मधुबनी पेंटिंग से सज रहा है गुजरात का दीवार। बता दी कि बिहार एक ऐसा नाम है जिसकी सभ्यता, संस्कृति और कला का इतिहास रहा है। जी हाँ, खासकर कला के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग ऐसा है कि वैश्विक पटल पर बिहार की पहचान चिन्ह बन चुका है। और अब मधुबनी पेंटिंग से गुजरात की दीवारें भी सज रही हैं। गुजरात के कोसंबा रेलवे स्टेशन को मधुबनी चित्रकला से सजाया गया है। DCM ने बताया है कि मधुबनी चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला का कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण से बहुत ज्यादा लगाव है। उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के साथ हमारा उद्देश्य यहाँ पर आए लोगों को गुजरात की संस्कृति से परिचित कराना है। इसके लिए भी मधुबनी चित्रकला का सहारा लिया गया है। बता दें कि अब कोसंबा आने वाले यहाँ की दीवारें पर मधुबनी पेंटिंग में दोनों राज्य की संस्कृति देख सकेंगे। हाल के वर्षों में मधुबनी चित्रकला की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। बता दें कि बिहार से खुलने वाले कई ट्रेनों की बोगियां मधुबनी पेंटिंग से सजी मिलती हैं। इतना ही नहीं, बिहार के कई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों के अलावा पर्यटन स्थलों पर भी मधुबनी पेंटिंग से दीवारें सजी रहती हैं और उसकी छाप देखने को मिलती है। अब मधुबनी पेंटिंग से गुजरात की दीवार भी सजने से राज्य की इस कला का और ज्यादा प्रसार होगा। साथ ही अन्य राज्यों में इस कला के कलादानकों की संख्या बढ़ेगी और प्रारंभिक कला से नई पीढ़ी भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। बता दें कि मधुबनी पेंटिंग अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू पेंटिंग को पुरुषों ने भी अपना लिया। बता दें कि वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी व मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाए जाने को लेकर तकरीबन 10,000 वर्ग फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सरोबार किया है। उनकी ये पहल निःशुल्क अर्थात श्रमदान के रूप में किया गया है। श्रमदान स्वरूप किए गए इस अद्भुत कलाकृतियों को विदेशी पर्यटकों व सैनियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। माना जाता है कि यह चित्र राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। मिथिला क्षेत्र के कई गांव की महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांव की मिट्टी से लीपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर खूब बनाया जाता है। समय के साथ साथ चित्रकार की इस विधा में पासवान जाति के समुदाय के लोगों द्वारा राजा सैलीस के जीवन वृत्तांत का चित्रण भी किया जाने लगा है। बता दें कि इस समुदाय के लोग राजा सैलीस को अपने देवता के रूप में पूजते भी थे। तो इस मधुबनी पेंटिंग आज इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि अब ये बिहार का मधुबनी पेंटिंग गुजरात के दीवारों पर भी सजने वाला है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ NBC 24 पर।